दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कर्नाटक में थमा चुनाव प्रचार, 10 मई को ईवीएम मशीन में कैद होगी उम्मीदवारों की किस्मत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। सोमवार को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। राज्य की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए बीजेपी ने सारे दांव चल दिए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने उसे पटखनी देने के लिए पूरा दम लगा दिया है। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बने जनता दल सेक्युलर ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में राज्य के तूफानी दौरे किए हैं। कर्नाटक में सत्ता पिछले 38 साल में बदलती रही है। बीजेपी इस बरसों पुरानी परंपरा को तोड़कर दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जान झोंक दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 29 अप्रैल से अब तक करीब 18 जनसभाएं और 6 रोड शो किए हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक पीएम मोदी के पूरे प्रदेश के दौरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया है। बीजेपी को साल 2008 और 2018 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद राज्य में अपने बूते सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत की उम्मीद है, उसने कम से कम 150 सीट पर जीत का टारगेट रखा है। अगली बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने चला इमोशनल कार्ड। बोले, मैं कर्नाटक का भूमि पुत्र, आखिरी सांस तक गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को मतदाताओं से भावनात्मक अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बात पर गर्व कर सकती है कि राज्य के भूमि पुत्र के रूप में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के एक उम्मीदवार द्वारा उन्हें जान से मारने की कथित तौर पर धमकी दिए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वह 81 वर्ष के हो चुके हैं, अगर कोई उन्हें मारना चाहता है तो मार सकता है, लेकिन वह अपनी अंतिम सांस तक गरीबों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और उनके हितों की रक्षा का प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि अगर मणिकांत राठौर ने उन्हें मारने की धमकी दी है तो उसके पीछे भाजपा का कोई नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, मैं मजबूत हूं, कोई व्यक्ति 100 साल या फिर 90 साल जी सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे जीता हूं तो 8 या फिर 9 साल रहूंगा, कोई चिंता नहीं है, अगर मुझे खत्म करने से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी तो मैं तैयार हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खुद को भूमि पुत्र कहा था, उसी तरीके से वो कर्नाटक के भूमि पुत्र हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर, बी एस येदियुरप्पा ने पेश किया प्रियंका गांधी का यूपी का रिपोर्ट कार्ड। बोले, भाजपा जीतेगी 135 सीटें। ये आपको बता दें कि कर्नाटक भाजपा के दिग्गज नेता बी एस येदियुरप्पा ने भरोसा जताया है कि पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीत जाएगी। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो एवं रैलियों से स्थिति बदली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की स्थितियों को समझने के लिए रैलियां की हैं और रोड शो किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर जीत मिल जाएगी। राज्य में कुल 224 सीटें हैं और बहुमत हासिल करने के लिए 113 सीटें जीतना बेहद जरूरी है। ऐसे में बी एस येदियुरप्पा की भविष्यवाणी यदि सच होती है तो भाजपा अकेले ही बहुमत हासिल कर लेगी। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार करने पर भी तंज कसा। बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो यूपी में भी 4 से 5 महीने तक कैंपेन किया था, इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी वहां पर 2 या फिर 3 सीटें ही जीत पाई है। बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता काफी सक्रिय रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां रोड शो किए हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी कैंपेन किया है। आपको बता दें कि फिलहाल बी एस येदियुरप्पा ने ऐलान कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, अपनी पार्टी के फैसले पर अड़े गृह मंत्री अमित शाह। बोले, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना बिल्कुल सही, ये और पहले हो जाना चाहिए था। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म करने के फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने सही बताया। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर कायम है कि ये फैसला पूरे तरीके से सही है, बस इस फैसले को थोड़ा और पहले लागू किया जाना चाहिए था। ANI से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4% मुस्लिम आरक्षण हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है।
ये बात सही है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी तरीके के आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की नीति के तहत ये आरक्षण देने का फैसला लिया था, जिसे हमने खत्म कर दिया। कर्नाटक चुनाव में जुटे अमित शाह ने कहा कि हम मानते हैं कि इस फैसले में देरी हुई है, लेकिन ये फैसला बिल्कुल सही है। अमित शाह ने कहा कि सिद्धारमैया को चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ये बता देना चाहिए कि यदि मुस्लिम आरक्षण वो 4% से बढ़ाकर 6% कर देंगे तो फिर किसका काट दिया जाएगा? ओबीसी का कम करेंगे, एससी का कम करेंगे, या फिर लिंगायत अथवा वोकल लिगा का आरक्षण कम किया जाएगा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कैंपेन खत्म होने से पहले ही इस पर अपनी पॉलिसी स्पष्ट कर देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में 38 साल से दोबारा नहीं बनी किसी की सरकार, इतिहास बदलने को बीजेपी ने चला तुपका इक्का। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म हो गया। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं कर्नाटक के चुनावी नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। अब देखना यह होगा कि कर्नाटक के रण में कौन बाजी मारेगा। इस बीच एक बात जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि बीते 38 साल से कर्नाटक में लगातार दो बार किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी है। हर 5 साल में यहां पर सरकार बदल जाती है। दक्षिण भारत के राज्य की सियासी परंपरा को बदलने के लिए बीजेपी ने अपना तुपका इक्का चला है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी ने जमकर चुनाव प्रचार किया है। बीजेपी का मानना है कि इससे पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। बता दें कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, सबसे बड़े संकटमोचक और सबसे बड़े नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। दरअसल बीजेपी और विरोधियों के बीच में पीएम मोदी सबसे बड़ा अंतर साबित होते आए हैं और कर्नाटक चुनाव में भी यह हकीकत सामने आती दिखाई दे रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में सियासी हवा का रुख मोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बस में चढ़े राहुल गांधी, छात्रों और महिलाओं से की चर्चा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कॉलेज छात्रों और कामकाजी महिलाओं के साथ बस में यात्रा की। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रचार के आखिरी दौर में लोगों तक पहुंचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कनिंगम रोड पर स्थित कैफे कॉफी डे पर कॉफी पी। इस दौरान उन्होंने बीएमटीसी बस स्टॉप के करीब कॉलेज के छात्रों और कामकाजी महिलाओं से बातचीत की। नेताओं ने बताया कि इसके बाद उन्होंने बीएमटीसी बस से यात्रा की और महिला यात्रियों से बातचीत करा, उनका विचार भी जाना। उन्होंने बताया कि उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की हर महिला मुखिया के लिए 2,000 रुपए प्रतिमाह और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की कांग्रेस पार्टी की गारंटी सहित कई विषयों पर खुलकर चर्चा की है। आपको बता दें कि महिलाओं ने उन्हें परिवहन की समस्या के बारे में और बढ़ती कीमतों से उनके बजट पर पड़ते असर के बारे में बताया। राहुल गांधी इसके बाद बस से राजापुरम में उतरे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर बस स्टॉप पर महिलाओं से बातचीत की। कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार अभियान का शोर सोमवार की शाम 5 बजे थम गया। बीजेपी कर्नाटक में फिर से सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पटखनी देने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में किया गलत भाषा का इस्तेमाल, जनता देगी जवाब। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में गलत भाषा का इस्तेमाल किया है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब मोदी जी के खिलाफ इस तरीके की विषैली भाषा का उपयोग किया है, उनको मुंह की खानी पड़ी है। इस बार कर्नाटक के अंदर भी उनको कर्नाटक की जनता जवाब देगी। आपको बता दें कि बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि राज्य में लंबे समय से चली आ रही सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड को वो तोड़ दे। बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए भी अहम है कि कर्नाटक दक्षिण भारत में उसका एकमात्र दुर्ग है, जबकि कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो ये चुनाव जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को विपक्षी दल के रूप में स्थापित कर ले। वहीं जेडीएस हमेशा की तरह ये उम्मीद लगा रही है कि वो एक बार फिर राज्य की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में लगा दिया हिमाचल वाला फार्मूला, महिला वोटरों पर खेल दिया बड़ा दाव। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का महिलाओं पर खास फोकस है। पार्टी ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए और मुफ्त बस यात्रा का वादा किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हर परिवार की महिला मुखिया को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ये वादा
काफी असरदार साबित हुआ है। प्रदेश की महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी के वादे पर भरोसा करते हुए पार्टी को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। हिमाचल छोटा राज्य है, संसाधन समिति है, पर कर्नाटक के पास में ऐसी समस्या नहीं है, इसीलिए 2,000 रुपए का वादा किया गया है। साथ ही कर्नाटक में सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन निगम की बसों में बिल्कुल फ्री यात्रा का वादा किया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। पार्टी ने यह तैरण नीति के तहत किया है क्योंकि कर्नाटक में लगभग आधी सीट पर पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता अधिक हैं। महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत भी पुरुषों के मुकाबले बड़ा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 49% महिला मतदाता हैं, पर वोट देने के मामले में वो पुरुषों से 4% आगे रही हैं। पार्टी नेता मानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहेगा। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल वाला दाव कर्नाटक में भी खेल दिया है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर बीजेपी ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग का रुख कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्यवाही करने और चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है। पार्टी ने कहा कि कर्नाटक भारत संघ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य राज्य है और भारत संघ के सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का कोई भी आह्वान अलगाव के आह्वान के समान है और यह खतरनाक और घातक परिणामों से भरा हुआ है। संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी नेता तरुण चुग ने जन प्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। भाजपा ने इस मुद्दे पर सोनिया गांधी के उस बयान की एक प्रति भी सौंपी है जिसे कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था। और बड़ी खबर, बजरंग दल पर सियासी हमले को चिराग पासवान ने बताया आस्था पर चोट, बोले कर्नाटक चुनाव 2024 का नहीं है सेमीफाइनल। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 के पहले सेमीफाइनल मानने से चिराग पासवान ने इनकार कर दिया। चिराग पासवान ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासत के बीच बजरंग दल पर साधे जा रहे निशाने पर भी ऐतराज जताया। चिराग पासवान ने कहा कि बजरंग दल की चर्चा आज तक उन्होंने नकारात्मक वजह से नहीं सुनी, ऐसे में धार्मिक आस्था पर चोट करना ठीक नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन इसे 2024 का सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर अगला कदम उड़ीसा की तरफ बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मई को उड़ीसा के दौरे पर होंगे और भुवनेश्वर में नवीन पटनायक से मुलाकात का कार्यक्रम है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। नीतीश कुमार की इस मुहिम पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने तंज कसा है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पर बिहारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उनकी पिटाई होती रही है। नीतीश कुमार को बिहार की फिक्र नहीं, बल्कि वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक का सबसे ताजा सर्वे, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकिन नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होने वाला है। चुनाव प्रचार भी 8 मई की शाम को खत्म हो गया। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस समेत तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां पर कांग्रेस पार्टी विभिन्न ओपिनियन पोल में सरकार बनने के दावे से उत्साहित है, तो वहीं भाजपा को अपनी सरकार बनने की उम्मीद है। वोटिंग से चंद दिनों पहले एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। इंडिया टीवी और सीएनएन के सर्वे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है, वो सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी लगा है। ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी को भले ही सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाएगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 105 सीटें जा सकती हैं। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा सीटों की तुलना में 25 सीटें अधिक है। वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। भाजपा को 85 सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनाव से ये 19 सीटें कम होंगी। इस बार किंगमेकर की भूमिका में जेडीएस हो सकती है। सर्वे में जेडीएस को 32 सीटें दी गई हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उसे 5 सीटें ज्यादा मिली थी। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सबसे ज्यादा 105 सीटें हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का आज 17वां दिन, जंतर मंतर पर किसान नेताओं ने तोड़ डाले पुलिस बैरिकेड्स, देशव्यापी आंदोलन का कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के 16वें दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे किसान यूनियन के नेताओं ने सोमवार को पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। विशेष रूप से पंजाब के किसान नेताओं ने नारेबाजी की और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर WFI प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सणसिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जबकि ब्रजभूषण सणसिंह ने एक दिन पहले किसान नेताओं से
पहलवानों के विरोध का समर्थन करने की गलती नहीं करने और इसके बजाय जांच के नतीजे का इंतजार करने का आग्रह किया। कैसरगंज के भाजपा सांसद सिंह ने एक बार फिर से दावा किया कि वो निर्दोष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने पहलवानों के लिए चयन प्रक्रिया में कई सुधार किए थे। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को घोषणा की थी कि वो पहलवानों के समर्थन में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अपनी सफाई भी दी थी। शनिवार रात फेसबुक पर पोस्ट किए गए 25 मिनट के वीडियो में सिंह ने कहा कि चाचा ताऊ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिल्ली नहीं आना चाहिए, आप दिल्ली आ सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन से ही कहा था कि अगर मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो मैं फांसी लगा लूंगा। पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के लिए दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर मामला दर्ज कर लिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब जांच रिपोर्ट 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद आए तो आपको पछताना पड़े। WFI प्रमुख ने कहा कि लेकिन एक बात मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि जब जांच पूरी हो जाएगी तो मैं आपकी खाप पंचायत में आऊंगा। उन्होंने दावा किया कि जो पहलवान धरना दे रहे हैं उनके पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 11 से 18 मई के दौरान सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और तालिकाओं में अखिल भारतीय आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनरत पहलवानों के समर्थन में जनसभाएं और विरोध मार्च भी निकाले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर 4 घंटे चली पहलवानों और खाप पंचायतों की बैठक, सरकार को मिला अल्टीमेटम, अब नया मोड़ लेगा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि जंतर मंतर पर 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक खापों की पंचायत चली। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, पहलवान बजरंग पुनिया और कई खापों के प्रधान और अध्यक्ष इसमें मौजूद रहे। पंचायत इतनी लंबी थी कि दोपहर 12 बजे से शुरू होकर ये 4 बजे तक चली। पंचायत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि कैसे पहलवानों की लड़ाई को मजबूत किया जाए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की खाप पंचायत और संयुक्त किसान मोर्चा समेत किसान संगठन भी इसका हिस्सा रहे। पंचायत में खापों ने सामने ना आकर पीछे से पूरा सहयोग देने पर विचार रखा है और बाद में इस पर आम सहमति बन गई। कई खापों का मानना था कि आंदोलन पहलवान चलाएं, अगर खाप पंचायतें आगे आ जाती हैं तो इसका बीजेपी को पूरा फायदा मिल जाएगा और आंदोलन की दिशा बदल जाएगी। पंचायत में आंदोलन को ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी और उनके साथ कुश्ती संघ में सभी पदस्थ लोगों के पद से हटने तक आंदोलन को जारी रखने की बात पर सहमति बनी है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के धरना स्थल जंतर मंतर पर बैरिकेड्स को एक साथ कर दिया गया बेल्डिंग, किसानों ने किया था हंगामा। यह आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोमवार को किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर किसी अप्रिय घटना से इनकार किया है, साथ ही इन पुलिस बैरिकेड्स को अब एक साथ बेल्डिंग कर दिया गया है। घटना से संबंधित कथित वीडियो में किसान बैरिकेड्स पर चढ़ते हुए और यहां तक कि उन्हें इनमें से कुछ को घसीटते और धकेलते हुए विरोध स्थल पर प्रवेश करने का प्रयास करते देखा गया। पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल ने कहा कि यह घटना तब हुई जब कुछ किसान धरना स्थल पर पहुंचने की जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रदर्शन स्थल तक ले जाने के लिए अवरोधक हटा दिए गए थे और इसके बाद बैठक शांतिपूर्ण तरीके से हुई। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पुलिस बैरिकेड्स को एक साथ बेल्डिंग कर दिया। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगे विवादित नारे, पहलवानों ने किया इनकार। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से पहलवान धरने पर बैठे हैं। इनका समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में किसान भी पहुंचे हैं। इस प्रदर्शन में सोमवार को उस वक्त हड़कंप की स्थिति हो गई जब बैरिकेड्स तोड़ने की घटना सामने आई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कहा जा रहा है कि यह नारेबाजी पंजाब से आए किसानों ने की थी। इसको लेकर पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ा गया, हमारे लोगों ने नारेबाजी भी नहीं की, कुछ असामाजिक तत्वों ने नारे लगाए। फोगाट ने कहा कि किसान यूनियन हमारे साथ हैं। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को आवश्यक सहूलियतें दी जा रही हैं। धरना स्थल पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 के चुनाव में इस बार बीजेपी हारेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।